हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में क्या दिया है, ठीक है, हम देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो एक बार एक क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा एनालिसिस करो। ठीक है, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद हम लोग शुरू से फिर से एक और बार पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग है। ठीक है, एज्यूम दिस बिल्डिंग। ठीक है, मैं एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, एज्यूम ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, इसको कोई भी, तो इस बिल्डिंग का जो टॉप पोजीशन है, अज्यूम करो ये मेरा टॉप पोजीशन है। ठीक है, दिस वन, दिस इज टॉप पोजीशन। और एक्चुअली इस बिल्डिंग का हाइट क्या है, 7 मीटर। ठीक है, तो ये जो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग की एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग तो है, पर इसके बराबर एक दूसरा एक केबल टावर है। ठीक है, केबल टावर का, ठीक है, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ इलेवेशन केबल टावर का 60 डिग्री दिया है, एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है ना, एंगल ऑफ इलेवेशन हमेशा अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट के ऊपर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट के ऊपर बनेगा मैंने एंगल ऑफ इलेवेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाते हैं, जो कि ये एक हाइट ऑफ द केबल टावर है। ठीक है, यहां से यहां तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक है, ये होगा, समझ लो मैंने एक पॉइंट इसको नाम दिया ये भी। ठीक है, दिस इज योर सीडी। ठीक है, and the angle of elevation on the top of the table is 60 degree. तो ये मेरा 60 degree है। ठीक है, इसको मैं E दे देता हूँ। ठीक है, तो angle DBE is 60 degree. ठीक है, and the angle of depression of its foot is 30 degree. तो angle of depression क्या दिया है? Angle of depression of its foot, मतलब ये angle का depression of foot क्या है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कैसा होगा, ठीक है, मतलब मैंने एक और एंगल बनाया। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर मेरा एबी अगर 7 मीटर है, तो सीई भी 7 मीटर होगा। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हमको क्या पूछा है, ये जो हाइट ऑफ द टावर है दैट इज सीडी, हमको सीडी फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द केबल टावर। ठीक है, सीडी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इसका यहां पे लिख दिया, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी ए बी। तो ए बी क्या है, मेरा ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, तो वो कितना मेरा 7 मीटर है। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ केबल टावर इज सी डी। ठीक है, सी is the height of the cable tower, ठीक है, और हमको CD find out करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले एंगल BCE एक एंगल लेते हैं। ठीक, हम लोग ये काम करते हैं BDE के लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, दो एंगल है ना, तो पहले हम लोग BDE लेते हैं। इन ट्रायंगल BCE,
ठीक है, हम लोग बी सी ई लेते हैं, ठीक है, तो इन ट्राइंगल बी सी ई, ठीक है, एंगल बी ई सी इज 60 डिग्री, ठीक है, उसके बाद अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये कितना होगा, दिस विल बी 60 डिग्री, ठीक है, तो बी ई इज 90 डिग्री, ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल देखो बी ई अपॉन ई सी, बी ई देखो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या है, कॉट 30 डिग्री, ठीक है, बी ई सी में क्या होता है, बी ई अपॉन ई सी एक कॉट 30 डिग्री होता है, ठीक है, हम 30 डिग्री लेते हैं क्योंकि ये एंगल 30 है, ठीक है, तो बी ई क्या है, बी ई नहीं मान, ठीक है, बट ई सी, ई सी क्या है मेरा 7 है, क्यों ये मेरा 7 क्यों है, क्योंकि बी ए ए बी 7 मीटर है, तो सी ई भी 7 मीटर होगा, ठीक है, तो ई सी मेरा 7 मीटर होगा, ठीक है, व्हाट इज कॉट 30, द वैल्यू ऑफ कॉट 30 इज √3, ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो बी ई क्या मिलेगा मुझे, 7√3 मीटर मिलेगा, ठीक है, अब मैंने एक ट्रायंगल मैंने सॉल्व किया बी ई सी को, ठीक है, नाउ एज्यूम सेकंड ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, एंगल बी ई डी इज 90 डिग्री, ठीक है, इसमें क्या होगा, डी ई अपॉन ई वी, डी ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू टैन 60 डिग्री, ठीक है, क्या इन ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, डी ई जो डी ई है अपॉन बी ई टैन 60 डिग्री होता है, ठीक है, नाउ बी DE, ठीक है, DE नहीं वन, पर BE, BE का वैल्यू क्या है, BE का वैल्यू फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, ये क्या है, 7√3 है, ठीक है, और tan 60 क्या होता है, tan 60 रूट थ्री होता है, tan 60 इज रूट थ्री, ठीक है, सो DE क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE, DE विल बी 7√3 इनटू रूट थ्री, कितना होगा, 21, ठीक है, the value of DE is 21, DE का value कितना मिला मुझे, ये मुझे 21 मिला, ठीक है, मुझे 21 मिला, अब मेरे पास, ठीक है, मुझे DE भी मिल गया और EC भी मिल गया, EC का value 7 मीटर है, ठीक है, so so CD is equal to DE plus EC. What is the value of DE? DE का value 21 है. और EC का value क्या है? What is the value of EC? EC is 7 meter. ठीक है? 7. So it is 28. So the height of the tower is 28 meter. टावर का हाइट कितना निकला, 28 मीटर, ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द एग्जांपल ऑफ लाइक दिस, होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग.